हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अनोवा टेक्निक लास्ट वीडियो में हमने देखा था अनोवा को एक्सेल में हमने कैसे अप्लाई किया था इस वीडियो में हम बात करेंगे एसपेसिस शीट में हम कैसे अनोवा टेक्निक को अप्लाई करेंगे मेरे पास यहां पर डाटा है जो मार्क्स का डाटा है वो कॉन्टीन्यूस स्केल पर है और जो जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो नोमिनल स्केल पर है एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ अनोवा टेक्निक को हम तब अप्लाई करते हैं जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की मोर देन टू कैटेगरीज होती हैं वन टू थ्री लाइक एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कॉन्टीन्यूस स्केल पे होता है इस केस में हमारे पास ग्रुप्स हैं वन टू थ्री और इनके कुछ मार्क्स हैं या इनका कुछ स्कोर ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रुप्स और जो मार्क्स हैं इनके तो हमारे पास टोटल तीन ग्रुप्स हैं और ये इनके मार्क्स हैं नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे एनालाइज में देन कंपेयर मीन्स एंड हेयर यू कैन सी वन वे अनोवा आई विल क्लिक हेयर नाउ डिपेंडेंट लिस्ट में मैं अपने मार्क्स को यहाँ डाल दूंगा और जो ग्रुप्स है इसको मैं एज अ फैक्टर यहाँ डाल दूंगा नाउ यहाँ पर राइट right साइड आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कॉन्ट्रास्ट पे मैं क्लिक नहीं करूँगा पोस्ट हुक पे मैं जाऊँगा और पोस्ट हुक पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये टकी मेथड आई विल एक्सप्लेन इट लेटर कि टकी मेथड क्या है और क्यों हम इसे यूज़ कर रहे हैं मैं इस पर फिलहाल अभी क्लिक कर रहा हूँ कॉन्टीन्यू पे मैं क्लिक करूँगा ऑप्शन में मैं कुछ क्लिक नहीं करूँगा आई विल से डिस्क्रिप्टिव और आई विल क्लिक ऑन ओके बटन नाउ यहाँ पर जब आप जो टेबल है इस पर देखोगे तो जो पी वैल्यू है ये सिग्निफिकेंट आ रही है मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स इज अ सिग्निफिकेंट मतलब जो तीन ग्रुप्स हमने लिए हैं वो एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली अलग है क्योंकि पी वैल्यू बहुत छोटी आ रही है और जो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल होता है जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो मतलब ये वैल्यू छोटी आ रही है इट मीन्स वी कैन से यस देर इज अ डिफरेंस अमंग द ग्रुप्स नाउ यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अनोवा टेस्ट हमें ये बताता है कि यस देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी ग्रुप्स लेकिन हमारे पास यहाँ तीन ग्रुप्स हैं वन टू थ्री तो इन ग्रुप्स में डिफरेंस है क्या वन टू थ्री तीनों आपस में एक दूसरे से अलग हैं या फिर वन इक्वल टू टू है पर वन नॉट इक्वल टू थ्री है तो ये फर्दर हमें देखने के लिए अनोवा हेल्प नहीं करता तो हमें उसके लिए पोस्ट ऑक टेस्ट लगाना पड़ता है अगर आप यहाँ देखोगे मल्टीपल कंपेरिजन का एक टेबल है जो कि पोस्ट ऑक में हमने टकी मेथड यूज़ किया था ना यहाँ पर हमें डिटेल्ड में पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप किस ग्रुप से एक्जैक्टली exactly डिफरेंट है या नहीं सो so, पहले ग्रुप में हम देखेंगे फर्स्ट को कंपेयर करेंगे सेकेंड थर्ड से सो so, इसमें जो सिग्निफिक देखें हम फर्स्ट को अगर सेकेंड से कंपेयर करें तो पॉइंट जीरो जीरो बन आ रहा है विच इज़ सिग्निफिकेंट ये फर्स्ट जो ग्रुप है वो सेकेंड से सिग्निफिकेंटली अलग है और अब दूसरा देखें वन को थ्री से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस अगेन ये बहुत छोटा वैल्यू है ज़ीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव से तो वी कैन ऑल्सो से दैट वन इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम थ्री ग्रुप फिर उसके बाद जो सेकेंड ग्रुप है उसको कम्पेयर करेंगे फर्स्ट से तो इसकी जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो भी अगेन छोटी है जीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव से सो so, हम बोलेंगे सेकेंड ग्रुप इज़ अ डिफरेंट फ्राम दी वन फिर सेकेंड को कंपेयर करेंगे थ्री से तो इसमें जो वैल्यू है अगेन पॉइंट जीरो टू फोर है जो कि छोटी है ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव से सो वी कैन से दैट सेकेंड ग्रुप इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम थर्ड थर्ड को कंपेयर करेंगे फर्स्ट से जिसमें कि पॉइंट जीरो जीरो अगेन छोटी वैल्यू हो रही है सिग्निफिकेंटली अलग है और थर्ड को कंपेयर करेंगे सेकेंड से जिसमें की वैल्यू आ रही है पॉइंट जीरो टू फोर विच मींस थर्ड ग्रुप इज़ अ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड ग्रुप ओके okay. और यहाँ भी अगर ये लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है होमोजीनियस सबसेट इसमें आप देख सकते हैं कि जो तीनों ग्रुप्स हैं वन टू थ्री ये तीनों अलग अलग बॉक्स में यहाँ पर डाले गए हैं अलग अलग नंबर में रखे हुए हैं कि पहले स्लॉट में सिर्फ एक ही ग्रुप आ रहा है दूसरे में फिर सेकेंड ही आ रहा है और थर्ड में ये ही आ रहा है अगर फर्स्ट ग्रुप अगर सेकेंड से सिमिलर होता या नॉट सिग्निफिकेंट होता तो वो सेकेंड की वैल्यू यहाँ पर आती वैसे ही अगर सेकेंड ग्रुप थर्ड के आसपास होता है या मैं बोलूँ वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं होता तो सेकेंड ग्रुप जो है ये यह यहाँ पर उसकी वैल्यू होती एक ही मैं वो कॉलम में शो होता सो so, यहाँ से भी आप कन्फर्म कर सकते हैं और दिस इज़ दी बेटर वन कि आप यहाँ मल्टीपल कंपेरिजन करके देखें कि कौन सा ग्रुप किससे से डिफरेंट exactly है या नहीं